बड़कोट भीषण जल संकट से परेशान है, क्या कहना चाहेंगे बताइए, क्या स्थिति? देखिए, ये जो बड़कोट का पेयजल संकट है, ये लगातार सालों क्या दशकों से ही बड़कोट पेयजल के संकट से जूझ रहा है। और इसमें सबसे बड़ी गलती मैं अपने से पूर्व में रहे जनप्रतिनिधियों को मानता हूँ कि कोई भी आज तक दीर्घकालिक या तत्कालिक कोई योजना नहीं बनाई गई है। और मुझे लगभग यमुनोत्री का, जो यमुनोत्री वालों के आशीर्वाद से नेतृत्व करने का अवसर मिला, ये लगभग 2.25 साल हो गया है। 2 साल के अंदर मैंने यमुनोत्री विधानसभा में, चाहे पहले की बात छोड़ दीजिए, अभी जब से ये है बड़कोट में जब से आंदोलन हो रहा है, उससे पहले ही 19 मई को मैंने यहाँ पर पेयजल के सभी बड़े अधिकारियों को बुला के एक मीटिंग आउट की थी। उस मीटिंग में ये तय हुआ था कि तत्कालिक क्या किया जा सकता है, और उसमें लगभग 4 करोड़ के आसपास की योजनाओं का आंकड़न तैयार करवा कर बड़कोट नगर पालिका के लिए, और उन आंकड़ों पे लगभग दोनों आंकड़ों पे टेंडर हो चुका है। और मैं आशा करता हूँ कि ये 3 या 4 महीने में इससे पानी का संचालन शुरू हो जाएगा। और क्योंकि अभी बड़कोट में लगभग 1500 कनेक्शन हैं, और उसमें 1000 LPM पानी की आवश्यकता है, और वो भी मई जून में ज़्यादा आवश्यकता रहती है। और जब ये नलकूप या पंपिंग योजना जो छोटी अभी शुरू करवा रहे हैं, जब ये शुरू हो जाएगी तो लगभग अभी 400-500 लीटर पानी, 400-500 LPM अभी है, और 1000-1200 LPM उससे निकासी होगी, तो लगभग हमारे पास 1500-1600 ऊपर LPM रहेगा। और मैं आशा करता हूँ कि कुछ समय के लिए बड़कोट को तत्कालिक पानी के संकट से मुक्ति मिल जाएगी। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि चाहे उन्होंने बड़कोट के संकट को देखते हुए या चिन्याली सौड़ के लिए भी उन्होंने लगभग मुझे 1 करोड़ रुपये, जैसी अभी जो भी जहाँ के लिए भी आजकल दिया है उसके लिए उन्होंने हमें धन उपलब्ध कराया है। चिन्याली के लिए भी 90 लाख के आसपास की एक योजना उन्होंने स्वीकृत की है, और बड़कोट में जो अभी तत्कालिक, चाहे आप वैसे देख लीजिए, सभी लोगों ने बोला है कि जो पहले बोरिंग हुई है उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 59 लाख कुछ पैसे निर्गत किए गए हैं, फिर 97 लाख एक करे हैं, और ये लगभग 3 करोड़ के आसपास था, हो सकता है TAC में 5-10 लाख ऊपर नीचे होके, EFC में होके। और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और साथ में नगर पालिका के सभी आंदोलनकारियों से भी मेरी एक प्रार्थना है कि भाई वो लोग भी इस बात को समझें कि अभी पूरा प्रदेश ही हमारा जल संकट से जूझ रहा है, और उनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। जो 72 करोड़ की योजना है उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से 2 बार मिल चुका हूँ, और आगे भी मैं प्रयासरत रहूँगा, और मेरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द वो 72 करोड़ की योजना भी जल्दी से जल्दी स्वीकृत हो और उस पर भी कार्य सुचारू हो। मैं परवीन रावत, मैं ग्राम बंसाड़ी का रहने वाला हूँ, लेकिन इस समय जो है पढ़ाई लिखाई के लिए जो हमने बच्चों को बड़कोट लाए, क्योंकि हमारा मेन जो फर्स्ट पड़ाव यात्रा का हो या शिक्षा का हो ये बड़कोट है, अपने बच्चों को यहाँ लाया। लेकिन मैं 30 अप्रैल को रिटायरमेंट हुआ, और रिटायरमेंट आने के बाद यहाँ पर पानी की इतनी दिक्कत हो रही है जिसकी कोई हद नहीं। सुबह के समय मुझे 6 बजे से 10 बजे तक पानी डालना पड़ता है खुद अपने कंधे पे बोके, क्योंकि जो है यहाँ पानी की इतनी दिक्कत है जिसकी कोई सीमा नहीं है। केवल यहाँ जो है 500-600 परिवार का लेवल का जो पानी पहले से चल रहा है वही पानी चल रहा है, जो कि यहाँ आवश्यकता कम से कम 30,000-40,000 परिवारों की पानी की है। और जो जिस प्रकार की गवर्नमेंट यहाँ पे जो छोटी सी एक योजना स्वीकृत की है उससे यहाँ काम चलने वाला नहीं है। यहाँ जब तक हमारी जो नदी से जो नीचे तिलाड़ी से जो 72 करोड़ से लागत की जो योजना नहीं आई, तब तक जो है यहाँ का कोई काम होने वाला नहीं है।